अरे मैं समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ और मैंने समाजवादी पार्टी से नामांकन किया है। गठबंधन कांग्रेस से भी है तो कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, उनका भरोसा, उनका विश्वास हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता पे, इसी के बदौलत में ये समाजवादी पार्टी के सिंबल पे आज पर्चा भरी। कांग्रेस ऐसी कई जगह है जहाँ पे दोनों लोग फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी तो मैं उसी भरोसे में चुनाव लड़ूंगी। बनारस की जनता आज बहुत बेहाल है। बनारस जैसी सांस्कृतिक राजधानी में आज मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता परेशान है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि बनारस में ये जो कूड़े की समस्या से लोग परेशान है, सफाई हो, जो घरों में सीवर के गंदे पानी पीने के पानी में जा रहा है उससे लोगों को निजात मिले, सफाई कर्मचारी कम से कम टाइम पे आके सफाई करें, मेरी सबसे, और बिजली की उस समुचित व्यवस्था हो, और सबसे पहले कि महिलाओं को एक स्वच्छ वातावरण मिले, मंदिर मस्जिद जैसे जहां भी गुरुद्वारे हैं वहां पे सफाई का पूरा इंतजाम हो, इस तरह का मैं कुछ बनारस को अच्छा और सुंदर देखना चाहती हूँ। कोई अलायंस नहीं टूटा माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत सालों से तैयारी कर रही थी, मैं समाजवादी की पार्टी की प्रत्याशी थी पहले से भी, उनका भरोसा था कि मैं चुनाव जीत सकती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे चुनाव। किससे टक्कर होगी विधानसभा में? मेरी तो किसी से भी टक्कर नहीं है सर, बाबरकाशी की जनता और कैंट विधानसभा की जनता ये चाहती है, एक प्रत्याशी 30 साल से पूरे उनके खानदान के लोग लड़ रहे हैं और दूसरे 4 बार से हारे हुए हैं। बनारस की जनता को इंतजार है कि कोई नया आदमी जो काम करने वाला हो वो आए और कैंट के लिए कुछ करके दिखाए। मुझे रात में सिंबल मिला, मैं रात में चल करके आई हूँ और अभी मैं सीधा यहाँ पर पहुँची हूँ नामांकन के लिए, और हमारे विधानसभा के सारे पदाधिकारी, मैंने एक फोन बस किया था, सारे लोग यहाँ इकट्ठा है और उनसे ज्यादा कैंट विधानसभा की जनता हमारे चाचा गोहली।